आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आलोक कुमार सिंह, ये सभी लोग आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए बैठे हुए हैं। दीपक के इलाज के लिए सरकारी पैसा मिलने के बाद 1,55,000 रुपए कम पड़ रहे थे, तो 50,000 मैंने अपनी तरफ से देने के लिए कहा था बच्चे के इलाज के लिए, और 1,05,000 आप लोगों से मैंने मांगे थे, और आप लोगों ने अपना बड़ा दिल दिखाया, पैसे आपने ज़्यादा भेज दिए हैं। 1,05,000 की जगह आप लोगों ने कुल मिला के 2,50,000 रुपये भेजे हैं, तो यानी आप लोगों ने 1,50,000 रुपये ज़्यादा भेज दिए हैं। उसका क्या करना है, कैसे उसको खर्च करना है, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। आपका पैसा मेरे पास अतिरिक्त पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही किसी गरीब बच्चे के काम आएगा, है ना। फिलहाल दीपक और इनकी मम्मी कुछ कहना चाहती हैं, थोड़ा नजदीक ला दो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोगों को, लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोगों, आप लोगों से ये उम्मीद रहा हमारे इलाज बदले पैसा और नजदीक ला दो। बस भैया अपन अपन लोगों ऐसे ही कृपा बनौले राम रही जैसा लैकन का हमेशा उपकार होत रह। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों की दया से, तुम लोगों समझे भगवान ने बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने दीपक की एक तरह से जान बचाई है, क्योंकि ऑपरेशन की प्रक्रिया ही पूरी रह गई है। ऑपरेशन पूरे होते ही मुझे पूरी उम्मीद है कि दीपक ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने लगभग 1,50,000 रुपये ज़्यादा भेजे हैं, तो इस पैसे को दीपक जैसे ही बीमार किसी अपने गांव के बच्चे पर मैं खर्च करना चाहता हूँ। इनके आया था तो मुझे पता चला कि कोई है जो दीपक से भी ज़्यादा परेशान है, और उनके फेफड़े में कैंसर जैसी स्थिति बन गई है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा आता है। थोड़ा एम्बुलेंस थोड़ा नज़दीक ला दो, मैं कई बार कह चुका हूँ, समझो, है ना। तो इनके पेट में ना फेफड़े में कैंसर जैसी स्थिति बनी है। यहाँ जी भाई आई, यहाँ ही बैठे, और पैर लटका के बैठ जाइए आराम से। हाँ, इनकी सर समस्या है कि 4 साल पहले फेफड़े में पानी बनने लगा और बेचो में इलाज के लिए गए, और बेचो में इलाज कंप्लीट नहीं हो पाया। ऑपरेशन तो किए लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो भाग के पीजीआई गए लखनऊ के। लखनऊ की पीजीआई में भी इलाज कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब इलाज अभी चल रहा है। तो लखनऊ के पीजीआई वालों ने बताया कि खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनको किसी सस्ते अस्पताल में रेफर कर दिया, जैसे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में। पिछले 2.5-3 साल से इनका इलाज वहीं पर चल रहा है, मेडिकल कॉलेज पीजीआई की बात। और इनकी हालत ऐसी है कि उसमें सुधार की गुंजाइश फिलहाल दिख नहीं रही है। इनकी दवा का खर्चा मंथली काफ़ी ज़्यादा होता है, समय समय पे मेडिकल जाते हैं इलाज करवाने के लिए, मेडिकल कॉलेज लखनऊ। दिखाना तो नहीं चाहिए लेकिन इनकी जो समस्या है वो देखने लायक नहीं है। दिखाइए, इनको सुनाई भी कम देता है, क्योंकि जब फेफड़े का इलाज हुआ तो उसके बाद इनको सुनाई देना भी कम हो गया। बस नीचे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, ना 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 जाने दीजिए, पीछे मत घूमिए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे क्षेत्र में जिनके लिए काम अगर कर सकता हूँ, अगर ईश्वर आशीर्वाद देंगे तो ज़रूर करूँगा। आप लोगों का भी साथ रहना जरूरी रहेगा, सहयोग सहयोग होता है, भले ही 2 रुपये का ही हो लेकिन कोऑपरेशन कभी भूली नहीं जा सकती, वो काउंट होती है। ऐसे किसी भी समय पर आप लोग जब भी मेरे साथ खड़े रहते हैं, काम आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये दुनिया स्वर्ग लगने लगती है। आप लोग हमेशा इस तरह से रहिए, और इसमें सबसे बढ़कर मैं खुद आगे रहूँगा। और आपका जो भी बचा हुआ पैसा है वो समय समय पर, आपका नाम क्या है, उस समय समय पर दीपक हो, जो बचा हुआ पैसा है, पहले तो आपने पैसा ज़्यादा भेज दिया है तो अब आप पैसे मत भेजिएगा, 1 रुपया भी भेजने की अभी ज़रूरत नहीं है, यही बताना था। आपका जो बचा हुआ पैसा है 1,50,000 रुपये ज़्यादा हैं, वो समय समय पर दीपक, अवधेश या ऐसे दूसरे जो गांव के बच्चे हैं या क्षेत्र के बच्चे हैं उनके इलाज पर मैं खर्च कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।